नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी ट्रेडिंग सर्विसेज के बारे में और इसके फोर मोड्स ऑफ ट्रेडिंग सर्विसेज के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रेडिंग सर्विसेज होता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए, थोड़ा समझने के लिए मैं बना दे रही हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये क्या है, कंज्यूमर है और ये सोचिए कि प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा, यहां पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ इंटेंजिबल प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर जो एक्सचेंज हो रही है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में किसी भी सर्विस को, उसी को बोलते हैं ट्रेड इन सर्विसेज। यही चीज अभी मान लीजिए एक्सचेंज हुआ अपने अंदर हमारी कंट्री में, तो ट्रेडिंग सर्विस। यही अगर यहाँ पर सोचिए इंडिया और ये रसिया हो गया, या कोई भी अदर कंट्री आप ले लीजिए, चाइना हो गया, ठीक है, किसी भी अलग कंट्री के बारे में अगर होता है एक्सचेंज होता है इंटेंजिबल सर्विसेज, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग सर्विसेज। अगर इंडिया और अलग अदर कंट्री के साथ होगा तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा क्या हमारा, इंटरनेशनल ट्रेडिंग सर्विसेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग सर्विसेज क्या होगा, जब ये इंडिया, ठीक है, और ये दूसरे कंट्री के बीच में सेम चीज जो है एक्सचेंज होता है, तो क्या होगा, ये फिर इंटरनेशनल हो जाएगा। क्या क्या आप एक्सचेंज कर सकते हैं, एग्जांपल ऑफ सर्विसेज, एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज क्या क्या हो सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, आईटी सेक्टर को आप एक्सचेंज कर सकते हो, टूरिज्म, हमारे देश से कोई बाहर जा सकता या हमारी कंट्री में भी घूम सकता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कोई अगर मान लो हमारी कंट्री में उसका सही तरीके से इलाज नहीं हुआ तो फॉरेन कंट्री में जाकर दिखाता है, कंस्ट्रक्शन, कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी हो गया, बैंकिंग, क्योंकि सर्विसेस है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। टूरिज्म के लिए लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, एक जगह से दूसरे, पढ़ाई के लिए भी जाते हैं, हेल्थ केयर के लिए भी जाते हैं, कंस्ट्रक्शन इसी तरह कोई कहीं करता है, कंसल्टेंसी बैठ के करते हैं यहाँ से बाहर के लिए, बैंकिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ये सब क्या है ना, हमारा ट्रेड इन सर्विसेज है, ठीक है, चाहे इंटरनेशनल हो या फिर अपनी कंट्री के अंदर हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज जैसे मैं बता देती हूँ आपको, कैरेक्टरिस्टिक सर्विसेज क्या होगी, ये क्या होगी, नॉन पेरिसेबल होगी। दूसरा क्या होगा, इंटेंजिबल। तीसरा क्या हो सकता है, इनविजिबल, ठीक है, इनविजिबल। तो ये सर्विसेज की विशेषता है कि किस तरह का सर्विस होती है, ये जो नॉन पेरिसेबल, इंटेंजिबल, इनविजिबल, ठीक है, इसे हम देख नहीं पा रहे, ठीक है। अभी जैसे अब हम जानेंगे क्या, मोड्स, अब हम जानेंगे मोड्स के बारे में। तो फोर मोड्स है, इसके चार मोड्स है। फर्स्ट क्या होगा आपका, ट्रेड, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। इसमें क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, और सर्विस रिसीवर है, ये क्या है, प्रोवाइडर है, ये सोचिए कि रिसीवर है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर, ये दोनों क्या होंगे ना, सेम कंट्री में रहेंगे, सेम कंट्री के होंगे। जैसे ये अगर इंडिया का है
तो ये भी इंडिया का है, मैंने हमारी सेम कंट्री में सर्विस जो है एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये इसे कुछ दे सकता है, बेच सकता है, ये इससे कुछ खरीद सकता है। ठीक है, तो ये जो खरीद बेच करेंगे तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, सर्विस होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, पेमेंट होती है। यानी कि अगर आप किसी को मान लीजिए यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं किसी को, सोचिए कोचिंग सेंटर जैसे हो गया, तो क्या अपनी कंट्री में पढ़ा रहे हैं तो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बदले में उन्हें क्या मिलता है, पेमेंट मिलती है। तो कहाँ हो रहा है, सेम कंट्री के अंदर हो रहा है। तो ये हमारे क्या है, या तो दोनों चाइना में होंगे, दोनों रसिया में होंगे, या फिर दोनों इंडिया में होंगे। तो इस तरह से क्या है, सेम कंट्री में सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। अब हम दूसरा चलते हैं, दूसरा हमारा होगा कंजम्पशन अब्रोड। अब जैसे नाम से हमें पता चल गया कि कंजम्पशन अब्रोड यानी कि बाहर देश में, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, जो सर्विस प्रोवाइडर है क्या करेगा, ये या तो दूसरे देश में जाएगा सर्विस लेने के लिए, या ये यहाँ पर आकर के अपनी सर्विस को लेगा। अभी जैसे क्या, एजुकेशन हो गया एग्जाम्पल, एजुकेशन, ठीक है, पढ़ने के लिए लोग जा रहे, इंडिया से चाइना जा रहे, रसिया जा रहे, कहीं भी पढ़ने के लिए जाते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर सर्विस जो है अदर कंट्री में मूव कर गए, मतलब अपना सर्विस लेने के, मतलब सर्विस लेने के लिए वो अदर कंट्री में, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, जो भी अदर कंट्री में, वो सीधे मूव हो गए अपना। फिर वो अपना जैसे पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो फिर वो अपनी इंडिया में आ जाएगी। वैसे अगर मान लो बाहर देश के कोई है, वो उसको अगर इंडिया में कुछ काम है तो वो आएगा, फिर वो अपनी कंट्री में मूव हो जाएगा। तो जैसे क्या होगा, अपना काम किया उसके बाद वो फिर चला गया। ठीक है, अब तीसरा हमारा क्या होता है, कॉमर्शियल प्रेजेंस। कॉमर्शियल प्रेजेंस इसमें हम क्या करते हैं, कॉमर्शियल प्रेजेंस में क्या करते हैं, जैसे कि कोई अपनी बैंक, ठीक है, एग्जांपल क्या, बैंक, ये बैंक क्या करेगी कि अपनी एक ब्रांच, सोचिए कि दूसरी कंट्री में जा करके खोल देता है। ठीक है, तो देखिए बैंक कहाँ गए, इंडिया गए, लेकिन ये खोलेगा कहाँ पे जाके, रसिया में खोल दिया। ठीक है, तो ये जो हैगा कॉमर्शियल प्रेजेंस, इससे क्या होगी, हमारी हमारे यहाँ पैसे आएंगे, वहाँ पर बैंक, वहाँ पर अर्निंग हो रहा है, यानी कि पैसा कहाँ, इंडिया आ रही है। तो इसे कहते हैं कॉमर्शियल प्रेजेंस मोड, कि ये मूव टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज, ये सर्विस प्रोवाइड करने गया। सेकंड में हमारा क्या था, कंजम्पशन अब्रोड, यानी कि हम बाहर देश में एजुकेशन के लिए गए थे या फिर हेल्थ के लिए गए थे। ठीक है, हम अवेल कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अवेल कर रहे थे, अवेल हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी कंट्री से हम दूसरे कंट्री में प्रोवाइड करवाएंगे सर्विस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पैसे आएंगे। तो जैसे बैंक का क्या, वहाँ खोल दिए। ठीक है, तो इसी तरह अब चौथा हमारा क्या है, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ पर क्या होगा कि जो सर्विस प्रोवाइडर होगा मूव टू अदर कंट्री टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। अभी यहाँ पर देखिए ये भी प्रोवाइड करवाने गया थर्ड में भी, बट ए बैंक क्या, ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए रहेगा। लेकिन ये क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई डॉक्टर, ठीक है, कोई डॉक्टर जाता है, वो अपना किसी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेगा उसके बाद, या सर्विस प्रोवाइड कर, फिर वो अपने कंट्री में वापस आ जाएगा। ये बैंक क्या, वापस है, वहाँ खुल गई तो खुल गई। ठीक है, लेकिन डॉक्टर हो गया, जैसे फैशन डिज़ाइनर हो गए, इंजीनियर हो गए, ठीक है, ये क्या करेंगे, जाएंगे और फिर वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि जाके वहाँ रह गए, तो कुछ समय के लिए ये जाएंगे और फिर ये वापस आ जाएंगे। तो ये क्या, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस,
तो देखिए नाम से ही पता था ना, हमारा नेचुरल प्रेजेंट हुआ वहाँ पर, फिर वापस आ गया, हमारे पास ही हमारे रिसोर्सेस आ गए। तो ये फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम भी, एक ये लॉन्ग पीरियड के लिए हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको बैंकिंग की सर्विस, और वहाँ से जो भी हमारा इनकम होगा हमारी कंट्री में आ गया, पैसे आ गए। और यहाँ पर कंजम्पशन अब्रॉड, यानी कि कंजम्पशन, देखिए लिखे ये कंजम्पशन अब्रॉड, हम बाहर से कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि एजुकेशन ले रहे, हेल्थ केयर ले रहे, कोई हेल्थ केयर चेकअप के लिए गए, तो ये क्या होगा हमारा कंजम्पशन अब्रॉड। पहला क्या था, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इसमें हमने क्या किया था अपनी ही कंट्री में, कोई भी रसिया अगर अपनी कंट्री में ही कुछ एजुकेशन प्रोवाइड करवाए या हेल्थ केयर जो भी कराए, तो उनके अपनी कंट्री में ही जो एक्सचेंज होगी वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होगा। तो अभी आपको देख लीजिए, हम सब एक बार और बता दे रहे हैं कि ट्रेड इन सर्विसेज में मोस्टली क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ इनटेंजिबल प्रोडक्ट होगा बिटवीन ऑन कंट्री में हुआ तो ट्रेड इन सर्विसेज, और अगर यही इंटरनेशनल हमारा हो गया सर्विस तो हम क्या करेंगे इसे हम इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विस बोल देंगे। तो सो सिंपल, ठीक है, यहाँ पर भी एक्सचेंज ही होगा, जैसे टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, कंसल्ट, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, जो भी हो सकता है, सर्विसेज काफ़ी तरह की होती है। अब सर्विसेज कैसी होती है, नॉन पेरिसेबल, इंटेंजिबल, इनविजिबल, मोड्स इसके चार होते हैं जो मैंने बता दिया, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इसमें सर्विस प्रोवाइडर और रिसीवर सेम कंट्री के होंगे, ठीक है, एक जन सर्विस प्रोवाइड कराएगा, दूसरा जन पेमेंट करके अपना काम खत्म करेंगे। यहाँ पर भी सेम कंजम्पशन अब्रॉड जो है कि हम शिक्षा लेने के लिए अपने बच्चों को भेजे बाहर, वहाँ से बच्चे शिक्षा लेकर के डॉक्टर बन के इंजीनियर बन करके वापस आ गए, या फिर सोचिए हमारे पेरेंट्स वहाँ पर हेल्थ चेकअप के लिए गए, यहाँ पर उनको मेडिकल फैसिलिटी अगर नहीं मिली उनके हिसाब से तो बाहर देश में जा करके अपना हेल्थ चेकअप करवा के आए। तीसरा हमारे क्या कॉमर्शियल प्रेजेंस क्या, जैसे कि हमने अपने बैंक वहाँ खोल दी बाहर कंट्री में, या बाहर कंट्री वाले कुछ हमारे यहाँ खोल दिए तो हमारा जो पैसा उनके पास जाएगा, या हम खोल दिए तो उनका पैसा हमारे पास आएगा। चौथा जो प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर, फैशन डिजाइनर, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कुछ समय के लिए वहाँ जाते हैं फिर अपना काम करके वापस आ जाते हैं, तो होता है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा हमारा आज का क्लास, और अगर आज का क्लास हमारा समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए, एजुकेशनल वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू।